भोजपुरी में पवन खेसारी और निरहुआ के बाद अगर किसी की फिल्मों को जाए तो वो कोई और नहीं प्रदीप पांडे चिंटू है। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि उन्हें कभी कोई सीरियस लेता ही नहीं, या यूं कह लें कि इतनी अच्छी अच्छी और अलग अलग जॉनर की जितनी प्रदीप पांडे चिंटू ने फिल्में की हैं शायद ही किसी ने की हो। फिर वो चाहे कॉमेडी हो, चाहे इमोशंस हो, फिर चाहे एक्शन हो या रोमांस हो, हर एक चीज़ में तो भाई प्रदीप पांडे चिंटू ने हाथ आजमाया है और उनकी फिल्में कामयाब भी रही हैं। भोजपुरी की हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी अभिनेत्री के साथ प्रदीप पांडे चिंटू ने काम किया है, लेकिन उन्हें कभी सही आकलन से आका ही नहीं गया। लेकिन आज हम उनकी जिस फिल्म के ट्रीज़र की बात करेंगे, उस फिल्म के ट्रीज़र ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, इस फिल्म के ट्रीज़र ने सबसे ज़्यादा एक दिन में देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है। 1.5 मिलियन लोगों ने इसे एक दिन में देखा है। आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू की इस फिल्म का नाम है जय शंभू। इस फिल्म में उनका साथ देती नजर आएंगे नेपाल की सुपरहिट अदाकारा और नेपाली दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस शिल्पा पोखरेल। जी हाँ, शिल्पा नेपाल की बहुत ही जानी मानी अदाकारा हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, स्टाइलिस्ट हैं और भाई कहा जाता है कि डांस में इन्हें महारत हासिल है। खैर, शिल्पा से बात हटाते हुए चलते हैं फिल्म के डायरेक्टर की तरफ। जी हाँ, सोनू खत्री ने इस फिल्म का प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों संभाला है, यानी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस फिल्म का ट्रीज़र देखेंगे तो आप कह उठेंगे कि भाई सोनू खत्री ने कमाल का काम किया है। कह सकते हैं कि कैप्टन ऑफ शिप की भूमिका सोनू खत्री ने बखूबी निभाई है। आप अगर यह फिल्म देखेंगे तो आपको पूरा अनुभव होगा कि आप साउथ की कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं। वैसे पवन खेसारी निरहुआ के घिसे पिटे एक्शन से अगर आप तंग आ चुके हैं तो आपके लिए इस फिल्म में नया एक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बात आपको थोड़ी चुभेगी ज़रूर, लेकिन सत्य है। वैसे भी हकीकत सभी को चुभ जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम प्रदीप पांडे चिंटू को, जिन्हें बहुत ही कम आंका जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके बारे में बात कैसे करेंगे। बता दें कि पवन को भोजपुरी का एक्शन किंग माना जाता है, मेगा स्टार, पावर स्टार, न जाने क्या क्या कहा जाता है। वैसे पवन इन सब को डिजर्व भी करते हैं और पवन के लिए एक बात और कही जाती है कि उनसे अच्छा एक्शन तो कोई भोजपुरी में कर नहीं सकता। खुद टीनू वर्मा जो कि एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद, यानी इस फिल्म के ट्रीज़र को देखने के बाद, आप ये ज़रूर कहेंगे कि पवन और प्रदीप पांडे चिंटू से अच्छा शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक्शन नहीं जानता। जी हाँ, प्रदीप पांडे चिंटू ने जिस तरह का मजा हुआ एक्शन किया है, अगर आप एक्शन फिल्म के दीवाने हैं तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कितनी मेहनत की होगी प्रदीप पांडे चिंटू ने ये एक्शन फिल्म फिल्माने में। खैर, ट्रीज़र छोटा ही होता है, लेकिन लोग ज़्यादातर ट्रीज़र में रोमांटिक चीज़ों को दिखाना पसंद करते हैं और कुछ एकाध ऐसे गानों की लाइन जिसे आप हमेशा अपने जहन में रख सकें। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसका ट्रीज़र ही स्टार्ट एक्शन से होता है, जो कि आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। इसका श्रेय जाता है सोनू खत्री को, यानी फिल्म के डायरेक्टर को। फिल्म में एक्शन की बात करें तो एक्शन डायरेक्टर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ डायलॉग की। जी हाँ, जो डायलॉग वो लिखे गए हैं काफ़ी दमदार हैं। उन्होंने इस फिल्म का डायलॉग लिखा है, डायलॉग वाकई में दमदार है। तो यकीन मानिए, अगर आपने अभी इस ट्रीज़र को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और अगर आप भोजपुरी में अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के ट्रीज़र को देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म का ट्रीज़र वाकई बहुत अच्छा है। और तो और, इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के एक्शन, डायलॉग और उनके हर एक सीन से आपकी नज़र नहीं हटेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।